हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। हरिद्वार में जो अभी भीड़ है वो आप देख रहे हैं, सारे घाटों में श्रद्धालु की संख्या उमड़ चुकी है। और ये है आज का दृश्य, शनिवार का सुबह के 7:30 का दृश्य देख रहे हैं। कोई अभी 10 या 12 नहीं बजे हैं। इस वीडियो में हम आपको मार्केट, संपूर्ण घाट, मनसा देवी की यात्रा आप अगर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी पैर रखने की जगह नहीं है, रोपवे के लिए घंटों की वेट करना पड़ रहा है। ये है अपर रोड मार्केट, या फिर भीमगुड़ा की ओर जाएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे कड़ी चावल और काफ़ी सारे राजमा चावल के आपको शॉप मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सी ऊपर जाएंगे देख रहे हैं यहाँ पे पूरी छोले आपको मिलेंगे। ये है भीमगुड़ा वाला मार्ग, जब आप भीमगुड़ा से आते हैं तो ई रिक्शा वाले आपको यहीं पे ड्रॉप करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हो। काफ़ी सारे ई रिक्शे खड़े हुए हैं, विक्रम टेम्पो खड़े हुए हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दूसरे नंबर का जूता स्टॉल मिलेगा, सीधे जाएंगे तो हर की पैड़ी के लिए। अभी हम जाएंगे ब्रह्मकुंड के दर्शन कराएंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद ब्रह्मकुंड जा रहे हैं और आपको ब्रह्मकुंड के दर्शन कराएंगे, क्योंकि ब्रह्मकुंड में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे जाने के लिए चप्पल जूता बाहर रखना पड़ता है, इसके वजह से हम जाते नहीं हैं, लेकिन आज हम आपको लेके जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु कमेंट तक देख रहे हैं। चाहे ब्रह्मकुंड की ओर की बात कहें या फिर दूसरे किनारे की बात कहें, दोनों ही किनारे पर सुबह के 7:30 में ही भीड़ आप देख रहे हैं उमड़ चुकी है। और आज शनिवार है, कल जो भीड़ होगा वो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और ये सीजन ही है श्रद्धालुओं की जो कि हरिद्वार में आती है, गंगा स्नान करती है, और भीड़ इस सीजन में हमेशा की तरह देखने को मिलता है। ये ब्रिज की बात कहें, ये है पंचदीप पार्किंग जाने का ब्रिज, देख रहे हैं इस ब्रिज में भी श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। एक किनारे से दूसरा किनारे तक का दृश्य आप देख रहे हैं, चारों ओर का दृश्य आपको सेम ही दिखाई देगा। अगर आप मनसा देवी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा मनसा देवी की रोपवे के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। एक्चुअली में आज हम जाने वाले थे लेकिन भीड़ की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेने के बाद वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में भी आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रॉली मिलेगा। अगर आप पैदल जाना चाह रहे हैं तो 832 सीढ़ी है जो कि आप पैदल जा सकते हैं, हमने संपूर्ण डिटेल में वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आप पैदल जाएंगे तो आप रोपवे से पहले जाके आ सकते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। चंडी देवी में भी रोपवे के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे रोपवे का किराया की बात है तो 129 रुपये पर पर्सन आने जाने का देख रहे हैं। ये हर की पैड़ी का दृश्य है जो कि प्रमुख घाट है। यहाँ से चेकिंग आपकी होगी, चप्पल जूता यहीं पे ही आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर वहाँ पे काउंटर है वहाँ पे आप रख सकते हैं। देख रहे हैं ये केवल भीमगुड़ा से श्रद्धालु आ रहे हैं और भीमगुड़ा की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे जूता स्टैंड है जो कि निःशुल्क है, आप चप्पल जूता रखेंगे, और हमने भी यहाँ पर चप्पल जूता भी रख दिया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे मनसा देवी की रोपवे के किराया वन वे का 100 रुपया, आने जाने का 129 रुपया आपको देना होगा, तो आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। ये है दूसरा किनारा हर की पैड़ी का, इस ओर श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा कम है ब्रह्मकुंड के तुलना में। चलते हैं ब्रह्मकुंड का भी दृश्य दिखाएंगे। ब्रह्मकुंड के पास जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या अभी के सीजन में ज़्यादा होता है। ऐसे जो कांवड़ यात्री आते हैं या फिर कोई बड़ा स्नान होता है तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होता, लेकिन जब समर सीजन आता है या फिर कोई बड़ा स्नान जैसे कि गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे ब्रह्मकुंड के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। सुबह सुबह आने के 2 फायदे आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग है तो आपको हर की पैड़ी तक ई रिक्शे की सेवा मिल जाएगा, और दूसरा है कि आपको गर्मी से आप बच सकते हैं क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी का आपको दृश्य देखने को मिलता है। काफ़ी तेज़ गर्मी यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है, देख रहे हैं पूरे घाटों में किस तरह से श्रद्धालु है। सबसे अच्छा माना जाता है तो आप जब भी हरिद्वार आए तो यहाँ पे स्नान जरूर करें, जहाँ पे अभी जो गिरे थे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आरती के लिए लोग यहाँ से बैठते हैं, और एक संजय सेतु आपको दिखाई दे रहा होगा, संजय सेतु के आगे छोटा सेतु और दिखाई दे रहा होगा भागीरथी सेतु, लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी है।
पूरे दोनों किनारे ही श्रद्धालु बैठे होते हैं दिव्य आरती के दर्शन करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ से रोक दिया जाता है, चप्पल जूता आप निकालेंगे तभी आप इधर आ सकते हैं, चप्पल जूता बैग में भी लेके नहीं आइएगा। देख रहे हैं कितने सारा श्रद्धालु है, सारे श्रद्धालुओं की चप्पल जूता, दो तीन काउंटर है यहाँ पे, तो आप हर एक जगह रख सकते हैं। और यहाँ पे बात कहें चेंजिंग रूम का, तो इस किनारे से उस किनारा में केवल यही पर चेंजिंग रूम में तीन चार चेंजिंग रूम में, और इधर बात कहें दूसरे किनारे की ओर तो यहाँ पे दिख रहे काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बने हुए नज़र आ रहे होंगे दूसरा किनारा का है। और इस किनारे पे आपको चेंजिंग रूम का थोड़ा अभाव महसूस होगा, जो कि हमारे माता और बहनों के लिए कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और चलते हैं आगे की ओर, आगे का दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि जो कमेंट आ रहा था आप लोगों का चेंजिंग रूम को लेके, तो हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास एक यही चेंजिंग है जो कि महिला घाट में बना हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं दोनों ही किनारों का हमने आपको बता दिया कि चेंजिंग रूम कहाँ पे है। ऐसे हम बताएं चेंजिंग रूम सबसे ज़्यादा जो है वो मालवी घाट है, यानी दूसरे किनारे पे। ये हम आ चुके हैं हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास। सुबह सुबह जो दृश्य है वो काफ़ी बर्फीली हवाएं तो नहीं चलती, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती है जो कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है। होटल धर्मशाला की जो दृश्य है वो आप देखें, बुकिंग जरूर करा के आएँ क्योंकि अभी जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ब्रह्मकुंड के पावन दर्शन आप अभी कर रहे हैं, अभी साथ में हम आपको यहाँ पर प्रमुख मंदिर है उनका भी दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पे चरण पादुका है और साथ में काफ़ी सारे ऐसे मंदिर है जो कि आपने नहीं देखा होगा। चलते हैं एक एक करके सारे मंदिर के आपको दर्शन अभी कराएंगे। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं है, नहीं तो हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं, जहाँ पे कैमरे अलाउ है वहाँ का दृश्य हम आपको पूरा दिखाएंगे। हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें। प्राचीन मंदिर गंगा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मकुंड यही है आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे। छोटा छोटा काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, अन्नपूर्णा माँ चामुंडा देवी के दर्शन आप कर रहे हैं अभी। श्रद्धालु की संख्या यहाँ पे 10 बजे से पहले काफ़ी ज़्यादा आप देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, तो आप 10 बजे से पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा तो काफ़ी अच्छे से आप स्नान कर लेंगे और ठंडे ठंडे पे ही आप आराम से घूम लेंगे हर की पैड़ी के पास के एरिया। यहाँ पे घूमने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि हमने आपको बता दिए, आप जाके ज़रूर देखें और घूमें। एक वीडियो के माध्यम से हमने सारे जगहों के दृश्य और जानकारी दिए हैं। चलते हैं अभी हम चलेंगे, प्रमुख मंदिर अभी रह गया है प्राचीन गंगा मंदिर, ये है मुख्य गंगा मंदिर, आप अभी दर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे कमेंट करने ना भूलें।